गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मॉर्निंग मैं मायके से शुरू कर रही हूँ। यहाँ सुबह से ही धूप आना शुरू हो जाता है। विंटर सीजन के टाइम तो ये बहुत ही अच्छा है, पर इस गर्मी में बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए कुछ देर बाद फिर बंद कर देना पड़ता है। यहाँ मैं अभी जल्दी जल्दी ही उठ जाती हूँ। पहले बहुत लेट से उठती थी क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जितनी देर तक सोना चाहो सो सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है। पर अभी ऐसा लगता है कि नहीं, जल्दी उठ जाती हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। मम्मी को काम में हेल्प कर दूँगी तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा, तो थोड़ा बैठ के एक साथ बात भी कर पाएंगे। और नहीं तो मम्मी पूरा दिन काम करती रहती है। सोचा था ट्राईपॉड लाऊंगी तो थोड़ा सा वीडियो करने में हेल्प होगा, पर भूल गई, तो इसीलिए भाई थोड़ा मुझे आज हेल्प कर रहा है। जब छोटी थी वो टाइम ही बहुत अच्छा था, हम लोग एक साथ रहते थे, दीदी, मैं, मेरी मम्मी, जो भी होता था, चाय पीना से लेके कुछ भी, ब्रेकफास्ट, सब हम लोग एक साथ मिलके करते थे और बातें भी होती थी, बहुत मज़ा भी रहा होता था। पहले मेरे कॉलेज में क्या हुआ वो मैं शेयर करती थी, दीदी अपना शेयर करती थी, इनफैक्ट मम्मी भी अपनी बचपन की सारी बातें हमारे साथ शेयर करती थी। ये सब सुनने में भी बहुत अच्छा लगता था। वो सब दिन हम सब बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। और लड़कियों का लाइफ ऐसा ही होता है। जो लड़कियां मेरी वीडियो देख रहे हैं और शायद मेरी बातों के साथ थोड़ा सा रिलेट वो भी कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ आई थिंक वो हर एक लड़की फील करती है। लड़कियाँ कितनी भी एजुकेटेड हो या कुछ भी हो जाए, हर एक लड़की को ये टाइम फेस करना ही होता है। पर जो पास रहते हैं मायके के, उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। जैसे मेरे लिए, इनफैक्ट पहले तो मैं हर एक हफ्ते चली आती थी, मेरा सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, तो मैं सैटरडे को या फिर फ्राइडे रात को ही मैं घर आ जाती और फिर संडे इवनिंग को मैं वापस चली जाती थी क्योंकि मंडे से स्कूल चालू। पर ओढ़ना होने के बाद से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक बच्ची को लेके जितना भी टाइम हो, 2 घंटा 2.5 घंटा ट्रैवल करना पड़े, पर एक बच्ची को लेके ट्रैवल करना थोड़ा सा तो मुश्किल ही है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा कम हो गया है। और आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा बहुत काम हो गया। मैंने मटन भी चरा दिया है और यहाँ पापा थोड़ा सा सब्जी लाए थे तो उन्हें मैं थोड़ा सा धो के सुखाने के लिए दे रही हूँ। एक्चुअली आप ग्रीन चिली को अगर आप थोड़ा सा साफ़ करके उसको फ्रिज में रख दे, थोड़ा सा पानी को पहले सुखाना पड़ेगा अच्छे से, धूप दे के सुखा के अगर आप फ्रिज में रख दो, ये बहुत दिन, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक तो रहता ही है अच्छे से। और यहाँ मेरा मटन हो गया है। आज मम्मी ने कहा था कि मटन होगा और हमारे घर में मटन होता है तो कुछ नहीं चाहिए किसी को, तो इसीलिए और कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ वही साग हुआ था जो जिसका नाम मुझे पता नहीं, थोड़ा सा तीता टाइप का होता है, तो वो हुआ था और मटन। और खाने के बाद अचानक से बारिश शुरू हो गया। बहुत दिनों बाद यहाँ पर बारिश हो रहा है। बहुत ही सुबह से गर्मी थी, इनफैक्ट सुबह से नहीं, कल से ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और बारिश होने के बाद थोड़ा सा भी मौसम अच्छा हो गया है, तो हम लोग ये एंजॉय करते हैं। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।